की जो लहसुन मंडी है उसी में मौजूद है, और कुछ किसानों का कहना था कि जो उपज की बात कर रहे हो तो थोड़ी सी बात हमारी प्रॉब्लम की भी हो जाए, हमें किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, या इनकी जो प्रॉब्लम है उनको लेकर कुछ किसान साथ में। भाई साहब नाम बताइए आप। नीलेश धाकड़। तो धाकड़ साहब ये बताइए कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान की हालत बहुत खराब है। लहसुन का भाव 3 साल में एक बार आता है, वो भी 15 डेज 20 डेज आता है। हर किसान अपना माल स्टोरेज करके नहीं रख सकता। किसान के पास अपने परिवार भरण पोषण, अपने मजदूर, अपनी लागत मूल्य निकालने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उनका पैसा किसान के पास 2% भी नहीं बचता है। लेकिन फिर भी किसान खुश है, लेकिन कुछ सरकार सोचे या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चले या कुछ ऐसा हो जो किसान को अपनी जो भी जींस हो, लहसुन नहीं, लहसुन के अलावा भी जो भी जींस हो उसका अच्छे से अच्छा दाम मिले और उचित मूल्य मिले, लागत टाइम पे भाव मिले, टाइम पे भाव मिले, भाव बरकरार रहे। लेकिन बाजार में जब भी किसान का माल आता है बहुत बड़ी उठा पटक होती है सर। बाजार में जब माल आता है ना किसान के पास, चाहे सोयाबीन ले लो, जींस कौन सी भी जींस ले लो आप, लहसुन की बात छोड़ो, अभी लहसुन क्या है ट्रेंड में है, लहसुन अभी ट्रेंड में है, ट्रेंड में कुछ किसान खुश है उन्होंने बेच दिया, लेकिन सारे किसान नहीं बेच पाए, अभी 10% किसान ही लहसुन बेच पाए, और जो बड़े किसान है उनका माल भी 10% ही बिका है, पूरा नहीं बिका है, लेकिन फिर भी उनको अच्छा खासा पैसा आ गया तो किसान बोलेगा, बात करेगा, अच्छा भाव मिला है, मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या है, जो किसान चाहता है वो बात नहीं बन पा रही है। क्या कहना काका? अरे साहब, टाइम पे भाव ही नहीं मिल रहा है लहसुन का, तो क्या दवा वाले के पैसे कहीं में से दें? टाइम पे भाव मिलना चाहिए ना फसल का, गेहूँ का, सोयाबीन का, तो ठीक है, नहीं तो आप माल किसान के से निकलने के बाद में भाव बढ़ाते हो, क्या काम का वो? अभी जरूरत है हमको पैसे की, दवा देने वाले की, बिजली का बिल की, घर चलाने की, तो उस टाइम पे भाव नहीं देते माल आता, जब बाद में बढ़ा देते, बाद में क्या काम का? व्यापारी का भाव हो तो फिर व्यापारी स्टॉप कर लेता उसमें। हाँ, सरकार बोलती है कि मिश्रित खेती करो, एक बार के टुकड़े टुकड़े में, आपके पास 5 बीघा जमीन है तो आधा आधा बीघा सब सब फसल भाव, और किसान हर साल अपने हिसाब से अलग अलग फसल बोता है, तो एक साल भाव मिल जाता है उसको, तो 3 फसल के भाव नहीं मिल रहे और एक फसल का भाव मिल जाता है, तो उसमें उसका गुजारा घर बनाना भी बहुत कठिन कार्य होता है। इसी प्रकार हमारे किसान भाइयों का ये भी यही कहना है कि उचित मूल्य पे वास्तविकता में जो भी भाव है वो निर्धारित मूल्य पे बिके और उचित तरीके से मंडी की व्यवस्था चलती रहे, यही बात है। तो कुल मिला के पीड़ा यह है कि जो उनकी उपज है उसका उन्हें जितना दाम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी समस्या यह भी है कि समय पर दाम मिले। लहसुन की बात नहीं है, तमाम फसलों को लेकर किसान की यही पीड़ा है कि उन्हें उनकी फसल का उचित दाम उचित समय पर मिले। विजित राव महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।